तो भैया हम रूम में बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, पर टांगे हमारी जो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हैं, तो हम फिर निकल पड़े हैं। तो निकलने से जैसे हम निकले, मैं अपने रूम से बाहर निकलते, अभी जो भैया गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उन्हें सपोर्ट करना। उनका इंस्टाग्राम हैंडल वहीं पे है, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिंक पे जाके क्लिक करना और उनको फॉलो करना। बाकी व्यू दिखाते हैं चलते चलते। चलिए, तो आज हमारी लास्ट नाइट है नैनीताल में, कल हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। एंड सब लोग मैक्सिमम निकल ही चुके हैं, क्योंकि कल तो भाई यहाँ पे माल रोड पर इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, अब तो खाली है। और ये देखिए सामने पपेट शो, छोटा सा और है, दिखाता हूँ। अभी हम लोग घूम रहे हैं, हमने देखा यहाँ पे बाइक नहीं, साइकिल भी रेंट पे मिलती है, तो आप साइकिल से भी घूम सकते हो छोटी मोटी जगह पे। तो ये यहाँ की डेली मार्केट है, जो डेली लगती है, आपको कपड़े वगैरह छोटी मोटी आइटम यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई डिनर हमारा डन, 200 सिर्फ की थाली थी, जो खा के पेट हो गया फुल। एंड अब देखेंगे कुछ मीठे के लिए, शायद ही जगह बची है, बट फिर भी जीप तो ललचाती है, कहीं ना कहीं मुंह और मारेंगे अभी। तो ये रास्ता हमारे होटल की तरफ जाता है, ये मार्केट पूरी ऐसे ढलान पे बनी हुई है, और बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है यहाँ के शटर्स पे, दिखाता हूँ मैं अभी आपको। तो चलिए, तो कैसी लगी आप लोगों को पेंटिंग, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो चलिए सुबह मिलते हैं अब सीधा आपको घर जाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फाइनली हम घर की तरफ निकल रहे हैं, बहुत इंजॉय करा हम लोगों ने, बहुत ही मज़ा, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। तो निकलते हैं घर की तरफ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में दिल्ली पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं। आते हुए दिल्ली से हमने आपको ज़्यादा व्यू दिखाए नहीं थे रोड साइड के, क्योंकि लेट थे हम ऑलरेडी, बट अब हम जाते हुए आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए देखिए, नज़ारे लीजिए। चलते चलते रास्ते में जरा हमारी लेफ्ट साइड पे नज़र पड़ी, तो देखा ये क्या है, समझ नहीं आया पहले तो मुझे, फिर शायद लगा कि जैसे ड्राइविंग टेस्ट होता है वो शायद यहाँ पर होता होगा, RTO वगैरह है यहाँ पर, पता नहीं क्या है, जिसको पता है तो बताना प्लीज़ क्या चीज़ है ये। आते हुए तो हम लोग आपको सनराइज नहीं दिखा पाए थे, बट जाते हुए सन पूरा उग चुका है, देख सकते हैं आप इसकी चमक आंखों में पड़ती हुई हमारे और आपके भी। तो चलिए आगे का व्यू देखते हैं, नज़ारा लेते हैं, आगे को और बढ़ते हैं। जो नज़ारे हम आपको कल पहाड़ों से ऊपर से दिखा रहे थे, आज वो नीचे से देखिए, नीचे से भी बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हो आप, आपके सामने ही है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा है मेरे आँखों के आगे। तो चलते चलते ये वही लेक आ गई जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, खुरपतल लेक।
जिसने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी उसे पता होगा ये लेक का पानी का कलर चेंज होता है, ब्लू था अब देखिए ग्रीन है इस टाइम क्योंकि वेदर खुला हुआ है, देख सकते हैं आप अच्छे से बिल्कुल ग्रीन है। चलते चलते एक व्यू दिखा मैं, बहुत ही प्यारा आप देखिए अब। पहाड़ियों की शेप देखिए कैसी है, नीचे घर भी हैं। वो जो है ना वो बहुत सुंदर दिख रहा है, देखा आंखों से जितना सुंदर दिख रहा है ना मोबाइल में इतना शायद ना दिख रहा हो, पर बहुत ही सुंदर व्यू है। तो कुछ ही पलों में वो पहाड़ों का सुंदर रास्ता ख़त्म हो चुका है, तो हम गए स्टेट रोड पे, अब हम धीरे धीरे हाईवे पे पहुंच जाएंगे एंड कुछ ही देर में मिलेंगे अपने घर में। तो पहला ब्रेक हमने ले लिया है ओनली 4 पॉइंट्स। तो 7:30 बजे का हम चले हुए थे, पहला ब्रेक हमने ले लिया है। ब्रेकफास्ट कह लो लंच कह लो आप इसे जो मर्जी कर लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं, अब सीधा दिल्ली रुकेंगे, इससे पहले हम रुकेंगे नहीं, तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो खाना बहुत अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी, तो मज़ा आ गया खाना खा के। और मैंने सर्व करा हमें, भैया आपका नाम विशाल मंडा। ओके, आप यहीं पे काम करते हैं, कितने साल हो गए आप काम करते हैं? अभी तो कुछ टाइम हो गया। अच्छा हाँ, तो थैंक यू सो मच खाने के लिए, बहुत अच्छी सर्विस थी आप लोग। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी। तो पेट पूजा हमारी हो चुकी है, फिर से चलते हैं सफ़र की तरफ। आस पास इसके खेत ही खेत है, तो अच्छा लग रहा है बड़ा। चले, गर्मी बहुत हो रही है, जैकेट पहन के ऐसा लग रहा है जैसे खड़े, बाइक चलते पर जैकेट पहनना तो इजी है, बट जब हम खड़े हो जाते हैं ना तब तो ऐसा लगता है भट्टी में घुसे हुए हैं। कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है राइडिंग का, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट जो हमारा पिलियन है उसकी हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि उसकी फर्स्ट टाइम इतनी लॉन्ग राइड है, एंड उसको भी जैसी चढ़ाई से हम नीचे उतरे थोड़ा उसको चक्कर भी आ रहे थे, वॉमिट भी हो रही थी, ये सबके साथ हो जाता नॉर्मली। तो इसलिए जब भी आप ऐसे कहीं ट्रैवल करें तो मेडिसिन अपनी साथ में रखें। तो चलिए चलते हैं दिल्ली की तरफ दोबारा। तो बाइक चला चला के बहुत थक भी गए थे और बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, प्यास लग रही थी, सोचा गन्ने का जूस पी लें थोड़ी बॉडी को हाइड्रेट कर लेते हैं, और लेट गया हूँ मैं तो भाई। अबे ये क्या हो गया, सीधी कर लीजिए, कब से बैठे बैठे चला रहे। तो हम भैया यहाँ पर लेट गए इनकी चारपाई पे। फाइनली घर पहुंच गए हैं, थका हूँ पूरा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, जो चीज़ अच्छी नहीं लगी कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं दोबारा हम किसी नए एडवेंचर और नई प्लेस के साथ। बाय बाय।